और जिसने भी पूरा ब्लॉग देखा कमेंट करना, मैं उसको कुछ स्पेशल दूंगी। हेलो गाइस, अभी डांस क्लास खत्म करके, देखो रात भी हो चुका है, डांस क्लास खत्म करके मैं मेरे रूम का आगे वाला मार्केट जा रही हूँ, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। तो मेरे बर्थडे में मैं मेरे हाउस हेल्पर आंटी को और मसाज वाली आंटी को कुछ खरीद के देना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास दूर का मार्केट जाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी भी डांस क्लास ख़त्म करते ही मैं निकल गई, तो मैं मार्केट आ चुकी हूँ, पहुँच चुकी हूँ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या क्या खरीदती हूँ। ये कलर में है, ये साड़ी देख रही हूँ मैं, ये दिखाना था ये वाली। गाइस मैं मार्केट गई थी, तो ये मेरे हस्बैंड तब तक मैंने देखने की बात कर रही हो तो मैं किसको देखो, तुमको, आपको नहीं देखूंगी तो, लेकिन मम्मी भी सपोर्ट कर रही है उसका। कुछ तो गड़बड़ है गाइस, कल ब्लॉग में पता चलेगा क्या हुआ। क्या खिचड़ी पका रहे हो? क्या पकाया मैंने? क्यों रात आता नहीं मेरा खिचड़ी पकाना? कंट्रोल नाटकबाज ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल तो मैं हूँ, लेकिन अभी थोड़ा ना लुकिंग गॉर्जियस, लेकिन ना कोई भी लुक ऑसम यार, स्प्लेंडेड। एक बात बोलूं? नहीं। मॉस्किटो, लेकिन ना मॉस्किटो गाइस ये ना मुझे बोलने ही नहीं देते, ये प्रॉब्लम है हम दोनों में। मतलब कुछ भी मुझे बताना होता है मुझे नहीं, उनका ही सुनना पड़ता है, मुझे बोलने के लिए मैं बोलूं करना पड़ता है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। गाइस मैं बोल रही हूँ अगर कुछ करना है तो मुझे बोल के करना, मोबाइल लेके जाओ, ब्लॉग व्लॉग बनाओ, ये दोनों इतना नाटक कर रहे हैं मेरे सामने। चुप, बिल्कुल चुप। भाई सजा अभी मुझे मेरे सामने से मार्केट जा रहे हैं, मुझे नहीं पता बूटा बूटा नहीं, इतना क्रेजी नहीं है बूटा के लिए। जिंदगी में बस तेरा बर्थडे रहेगा, और कुछ है नहीं हमारे पास में काम। गजब बेइज्जती है यार, मैं मार्केट नहीं जा सकता हूँ। दोस्त जैसे आप सबको पता है कि आज मेरी वाइफ का हैप्पी बर्थडे है, मतलब 16th ऑफ मई को। तो गाइस जब मैं ऑफिस से वापस आया था ना, तो मैंने सोचा कि उसको ना केक तो लेके आऊँगा बोल के, तो तभी मैंने केक तो लेके आ गया था। एंड बीच में मैंने थोड़ा सा झूठ बोल के जाके मार्केट जाके ना कुछ एक मतलब सिंपल सा एक गिफ्ट खरीदा है उसके लिए। अभी बहुत मुश्किल से यार मैं सोया हुआ था, तो मैंने अलार्म डाला था, ठीक है। तो मैं अभी इतनी रात को ना ऐसा जो भी मेरा सरप्राइज़ है ना वो प्लान कर रहा हूँ वाइफ को, अभी उसको उठाएंगे तो आप लोग देखते रहना, ठीक है। मैं यहाँ पे केक दिखाता हूँ आपको, मैंने लेके आया था ऑफिस से आते समय। एंड यहाँ पे मैंने अपना प्यारा सा वाइफ का जो भी मैं नाम से बुलाता हूँ ना निक नेम, मुड्डू लिख दिया है। मुड्डू मतलब धड़कन, ठीक है। बहुत तेज हो रहा है गाइस, तो आई एम स्टिल वेटिंग, 11:59 हो गया। तो आपकी भाभी को ना अभी बुला के लेके आएंगे, रियली वेरी एक्साइटेड हूँ, अभी उसको तुरंत जाके ना बुला के आएंगे। 12 बज गया, चलो 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 चलते। हेलो हेलो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू माय लव। सही नहीं थे मम्मी, वेस आप नहीं करोगे? आ जाओ इधर एक बार, इधर आओ तो एक बार आओ तो सही, आओ आओ मम्मी, बच्चों को भी लेके आना आप। देखो बाबू सो रहा था, मैंने ना सबको उठा दिया हड़कम से। प्लीज कम बाबू, आई एम सो सॉरी, आई एम वेक यू अप, सो रहा था मेरा बाबा। ये
देखो यार यहाँ पे कितना अच्छा नजारा है बाहर का। चीटिंग 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 करता है तू। ओए कुत्ता भी भाग रहा है नीचे देख। देखा नौटंकी क्या किया। हैप्पी बर्थडे माय लव। अभी मजा आएगा। हैप्पी बर्थडे। ओए डेकोरेशन क्यों खराब कर रही है भाई। थैंक यू भी नहीं बोल रही यार। मैं तो सोच रही हूँ मैं तो सिगरेट भी लेने पीती हूँ। चलो अब तुम्हारा एज कितना हो गया बताना नहीं चाहिए। 28 कंप्लीट। नहीं 29। गॉड ब्लेस यू। आज का पल एकदम मतलब स्पेशल क्यों है पता है। This is my wife's first birthday with our beloved kid. बाबू मम्मा को हैप्पी बर्थडे विश करो। फर्स्ट बर्थडे मम्मा का बाबू एंजॉय कर रहा है। हैप्पी बर्थडे कहाँ गई मम्मी। हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मा गिफ्ट क्या दोगे। मम्मा बाबा मम्मा गिफ्ट क्या दोगे। सीलिंग फैन। ये लग रहा सीलिंग फैन देगा ऊपर ही देख रहा है। तो मेरी बीबी प्रे करते हुए यहाँ पे भगवान जी को एंड आई टू प्रे गॉड कि मतलब उसका सारा ड्रीम्स एंड विशेस सब कुछ फुलफिल करे। अरे फूकना पड़ेगा पहले। साले को बम से उड़ा दूंगा। ओ भाई इतनी फूक में जान थी। हैप्पी बर्थडे टू मुचू। Happy birthday to Muchu. Happy birthday dear Muchu. Happy birthday to you. Happy birthday my love. May God fulfill all your dreams and wishes. बहुत तरक्की करना ठीक है। तो वो थोड़ा खा तो एक बार अरे देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आप यहाँ मम्मी का बारी आते हुए एक्चुअली मम्मी को पहले खिलाना चाहिए था मैं भूल गया। तो आई एम सो सॉरी दैट वॉज नॉट इंटेंशनल। हैप्पी बर्थडे माय लव। अब तेरे लिए गिफ्ट तो ये आईफोन दिया था मैंने तो जस्ट बी हैप्पी ऑफ आईफोन। ओके इसको बोल दे एक्टिव ब्लॉगर। मदर बेटी के बर्थडे के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने मेरे को इतना अच्छी बेनिफिट दिया। सासू माँ को स्पेशल थैंक यू यार इतना अच्छा बेटी देने के लिए। रोइए मत बस आप खाते रहिए। एंड इतना अच्छा क्यूट देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे माय लव। हैप्पी बर्थडे माय लव। आई लव यू। तुम लेके आते थे पहले अब शादी के बाद मैं लेकर आता हूँ। बताओ दिन कितना बदल गया। एंड आपके लिए मैंने और एक चीज देखा है। आई डोंट नो तुम डांस क्लास बहुत करती हो तो मैं आज ना बहुत परेशान था एक्चुअली ना ढूंढ के मेरे को पता ही नहीं चल रहा है क्या पता था कुछ खिचड़ी पक रहा है। ये देखो मैं क्या लेके आई हूँ। ये गाइस मतलब ये क्या बोलते हैं इसको नीवा कंपनी का ना ये ट्रैक पैंट है जो कि मतलब डांस वांस करते जो है एकदम फ्लेक्सीबल वाला बढ़िया वाला ऐसे इलास्टिक वाला ना मैं आपके लिए लेके आया हूँ। थैंक यू सो मच। दो नहीं नहीं यू दे।